हेलो डीएससीयूटी एस्पिरेंट्स, पिछले 1.5 साल से चल रहे लगातार सीयूटी की काउंसलिंग आज हम अभी पे क्लोज करते हैं। इसके साथ ही आज अपन लास्ट टाइम ये देखेंगे सीयूटी का आज तक का इस साल का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। उसके बाद जो है कोई भी वीडियो अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं आने वाला है। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, स्पेशली जिनको ये चस्का लगा हुआ है कि हमको तो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन लेना है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज दिस इज डिपेंड ऑन योर 1 ईयर कि आपको एक साल फिर से लगातार पढ़ना पड़ेगा, फिर से कोर्सेस लेने पड़ेंगे, फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से वही जनरल टेस्ट, फिर से वही एनटीए का एडमिट कार्ड, फिर से वही एनटीए का सारा सीन होने वाला है। तो क्या सारा प्रोसेस है उसके बारे में आज अपन देख लेते हैं। इसके साथ ही आज का ये लास्ट वीडियो सीयूईटी 2022 का होने वाला है। उसके बाद जो हम सीयूईटी 2023 की सीयूईटी की प्रिपरेशन, इसके अंदर जनरल टेस्ट, इसके अंदर आपका डोमेन टेस्ट, उसके अंदर आपके जो पीसीएम, पीसीबी, आपका मैथमेटिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, आपका लॉ डिपार्टमेंट एंड अदर एंड अदर एंड अदर बहुत सारे ऑप्शन अपन देखने वाले हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं, स्पेशली हमारे यहाँ आने वाले 3 दिन के लिए ऑफर रहने वाला है। आज 14 दिसंबर हो चुका है, 18 दिसंबर तक लॉट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजों के अंदर आपको अच्छे खासे ऑप्शन मिल सकते हैं, स्पेशली पीजी वाले बच्चों के लिए एंड आल्सो इन यूजी वाले बच्चों के लिए। इंटीग्रेटेड में जो भी बच्चे देख रहे हैं या फिर बीसीए जो भी है, एमसीए हो गया, ठीक है, इसके साथ ही आपका जो यूजी वाले बीटेक वाले बच्चे हो गए, बीटेक वाला तो ऑलमोस्ट सब जगह क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। बिकॉज यार आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है बीटेक वालों की वो मार्च के अंदर होने वाली है, तो इन सबको ध्यान रखो। फिर भी आप लोग अगर वेट कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। अगर यार मैं बात करूँ जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में तो ऑलरेडी 5 राउंड तो आ चुके हैं और लगातार आते जा रहे हैं यूजी एंड पीजी वाले बच्चों के लिए। उसके बाद यार कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ बसती हैं, ऑलमोस्ट 18 तारीख तक कि आप लोग हमारे कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया उस पे, तो उसमें हम आपकी ट्राई करते हैं। इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पेड प्लान में भी इनरोल कर रखे हैं तो वो भी कॉल वगैरह कर सकते हो क्या सारा सीन है। और अभी मतलब ऐसा मान सकते हो कि ऑलमोस्ट सब जगह क्लोज हो चुका है, कुछ फ्यू यानी कि 100 में से सिर्फ एक मतलब 2 से 4 कॉलेज बचे हुए हैं जो कि एडमिशन दे रहे हैं और तो सब जगह ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो यार ये सारा सीन है तो जस्ट देख सकते हो। उसके साथ ही हम जो है आपको स्पेशली स्टार्टअप भी इसके बारे में अपडेट देते हैं, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है उसको जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ यार यूनिवर्सिटियों के नाम बता देता हूँ जहाँ पे आपके कुछ चांसेस बन सकते हैं एडमिशन के। कुछ तो यार प्राइवेट कॉलेजेज हैं, कुछ काफ़ी अच्छे कॉलेज होते हैं, कुछ काफ़ी बुरे कॉलेज होते हैं, तो उसके लिए आप हमारे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो कि भैया ये कॉलेज क्या है, क्या हालचाल है इसका, अच्छा है कि बुरा है, तो उसके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प मिल सकता है। बिकॉज ये अच्छा हो कि आप प्राइवेट में भी जाए तो अच्छे कॉलेज में जाए, किसी गठिया में जाने का कोई मतलब तो है नहीं, राइट, तो उसका हमको चार्ज नहीं लेते, ठीक है, और हम जो कंफर्म एडमिशन कराते हैं उसी के लिए चार्ज लेते हैं। लेकिन अभी वो बहुत सारा क्लोज है, 18 तारीख तक हम आपकी 2022 वाले के रिगार्डिंग हेल्प करेंगे, उसके बाद फिर से नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे अगले साल के लिए और ये जो सारा सीन है वो बंद हो जाएगा। एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा एक स्टार्टअप है कॉलेज जानकार प्राइवेट लिमिटेड, तो बेसिकली जो भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं तो दे विल प्रोवाइड टू गेट ऑलरेडी जो है वीसी से फंड हो चुका है। तो जल्दी मिलते हैं यार अपन भी, ठीक है, स्पेशल एक नए ऑफिस के साथ में, स्पेशल इन दिल्ली, नोएडा, आपके मुंबई के अंदर एंड बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर, स्पेशली इन काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, एग्रीकल्चर हो गया, नीट के अंदर भी लॉट ऑफ स्टूडेंट फार्मेसी वगैरह का कुछ आइडिया नहीं है किसी को, भाई हम करें तो करें क्या। राजस्थान से पर्सनली मैं विजिट बिलोंग करता हूँ एंड अगर मैं कुछ एरियाज की बात करूँ जैसे अजमेर, बाड़मेर, दोसा, करौली, इधर भी लोगों को कुछ आइडिया नहीं कि भैया क्या होता है, क्या पे जाए, क्या करें, क्या नहीं करें, नो बडी अबाउट दिस थिंग। लॉट ऑफ स्टूडेंट गेट 10,000 जॉब्स, 15,000 जॉब्स आफ्टर द 12th क्लास एंड वेस्ट योर लाइफ। तो आई थिंक यार आप लोगों को एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, एक अच्छे कैरियर काउंसलर से मिलना चाहिए जो जानता हो कि भैया ये क्या सारा सीन होता है, व्हाट इज द एविएशन, व्हाट इज द होटल मैनेजमेंट, व्हाट इज द इंजीनियरिंग, व्हाट इज द मैनेजमेंट, व्हाट इज द बीसीए एंड लॉट ऑफ इतनी ज़्यादा ब्रांचेज है। आपको अगर मैं कोर्सेज की बताऊँ तो अभी भी आपको इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 25,000 कोर्सेज मिल जाएंगे जिसका आप लोगों को पता भी नहीं है कि भैया 25,000
25,000 के आसपास कोर्स, ऐसा भी होता है। हमने तो इंजीनियरिंग का नाम सुना है, हमने मेडिकल का नाम सुना है, हमने फार्मेसी का नाम सुना है, और हमने वीडियो एडिटिंग वगैरह वगैरह का नाम सुना है जिसके अंदर लोग शिरकत रहे बनते हैं। और ये 25,000 कौन से कोर्स होते हैं आखिरकार, क्या हम भी इसमें जा सकते हैं? हम तो भैया हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, हमको इंग्लिश से नहीं आती है, हम क्या करें? क्या हम इंजीनियरिंग कर भी पाएंगे? जनरली यार अगर मैं आपको बताऊं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था और मेरे को इंग्लिश अभी भी नहीं आती, ठीक है, मतलब उस लेवल की नहीं आती। एंड आई कनेक्टेड द इंडियाज रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, चाहे वो बड़े बड़े विशी हो, ठीक है, स्पेशली एंजल इन्वेस्टर हो, अभी भी मेरे को नहीं आती इंग्लिश, ठीक है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, नॉर्मली बोल लेता हूँ, इसलिए मैं वीडियोज में भी ज़्यादा इंग्लिश वगैरह यूज नहीं करता, वैसे मेरे को देखता भी कौन है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे मतलब लोट ऑफ स्टूडेंट पीपुल गर्ल्स एंड गाँव से कॉल करते हैं कि भैया हमको इंग्लिश वगैरह नहीं आती तो क्या हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं? और स्पेशली हमारे योगी जी की बात करूँ तो यार वो अभी जो है हिंदी के अंदर इंजीनियरिंग लाने वाले हैं, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था अभी। एंड पिछले 2 साल पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो था, IIT है शायद, वो हिंदी के अंदर ही कराता है, ठीक है, उसने हिंदी में इंजीनियरिंग कराना शुरू करा दिया। स्पेशली यार इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो इंग्लिश में चलता है, लेकिन जो ये नॉर्थ कोरिया या फिर आप लोग जो आइलैंड्स वगैरह करके जाते हो ना, तो वहाँ की लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे जर्मनी जा रहे हो तो वहाँ पे जो जर्मन लैंग्वेज है, क्योंकि उधर जो स्टडी है वो सिर्फ उसी लैंग्वेज में चलती है, ठीक है। कॉमनली बहुत सारे लोग इंग्लिश यूज करते हैं लेकिन उनको भी इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, वहाँ पे जो गांव के लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है। हमारे जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, मेरे को गुजराती आती है, जरूरी नहीं, मतलब अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती ना, लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया तेरे को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उधर ऐसा नहीं होता, ठीक है। उधर उनको अगर उधर जो गुजरात होता है, अगर उनको गुजराती आती तो वो गुजराती में बोलेंगे, उनको गुजराती में पढ़ाएंगे, वो गुजराती में बिजनेस करेंगे, और डोंट नो अबाउट कि इंग्लिश क्या है क्या नहीं है, दिस इज एन लैंग्वेज, ओके, आती है अच्छी बात, नहीं आती कोई बात नहीं, हम गुजराती में चला लेंगे। तो यार ये सारा सीन है। अब मेरे को बताना CUET के बारे में था, मैं थोड़ा गलत चला गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी CUET का मैं क्या ही बताऊँ, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे अभी चल रहा है, हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी को आप लोग एक बार देख सकते हो, वेबसाइट पे बहुत सारे कोर्सेज के लिए वो बुला रहा है। PG वाले बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन अभी ओपन है, हमारे पास भी ओपन है, PG वाले के लिए तो काफ़ी सारी सीटें अवेलेबल हैं, लेकिन हाँ यार UG वाले बच्चों के लिए तो लॉट ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट क्लोज, तो इस बात का ध्यान रखो। कुछ एक दो सीटें होती है हमारे ग्रुप में, ऑलमोस्ट 1500 से 2000 लोग जुड़े हुए हैं। 3 सीटें अगर होती है तो मेरे पास ऐसे मान लो कि 100 मैसेजेस आते हैं कि भैया हमको दे दो। लॉट ऑफ स्टूडेंट मैसेजेस मी कि भैया हमको पैसे ले लो और सीटें दे दो। तो यार ऐसा मतलब मैंने तो आज तक कभी किया नहीं है। हम कुछ फीस चार्ज करते हैं, आई थिंक 1800-1900 रुपये, जिसमें भी हम ट्राई करते हैं कि हमें मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, लेकिन अभी तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारा सीन है। तो अभी ये प्रोग्राम वगैरह भी बंद हो चुका है। एंड कॉलेजों में कॉलेज वालों को भी इंटरेस्ट नहीं है, कॉलेज वाले आप कॉल करते हैं उनको वो भी कॉल नहीं उठाते, बच्चों का भी ऐसे खत्म हो चुका है कि भैया लॉट ऑफ स्टूडेंट तो ड्रॉप ले रहे हैं कि हमको अपना स्टार्टअप करना है, बिकॉज जो शार्क टैंक को देख देख के ना बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं, मतलब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बहुत मतलब यार ये एक इंस्पिरेशन सी बन चुकी है और ये काफ़ी अच्छा है मतलब हमारे इंडिया के लिए। आज अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यार अभी 102 यूनिकॉर्न हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर एक भी यूनिकॉर्न नहीं है, नेपाल जैसे देश में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है और हमारे देश में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। और लॉट ऑफ स्टूडेंट आफ्टर द 12th डिसाइडेड कि हमको अपग्रेड से हमें कोर्स कर लेंगे, हम ऑनलाइन को ये कोर्स कर लेंगे और हम अपना स्टार्टअप चलाएंगे, हम अपनी टेक्निक में गेम बनाऊंगा, मैं ऐप बनाऊंगा, मैं कुछ बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा। तो यार मतलब जस्ट लाइक सुनने में बहुत अच्छा लगता है एंड लॉट ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस रेशियो बहुत कम है, लेकिन आपको जो मन में आए ना वो करना, ठीक है। रिश्तेदारों की बिल्कुल मत सुनो कुछ। ये HNBGO का भी अपडेट आ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लिस्टें के आसपास आ चुकी है। आज भी नोटिस आया रिगार्डिंग द स्पोर्ट काउंसलिंग इन MSc फिजिक्स को, ठीक है, श्रीनगर के अंदर, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो, MSc श्रीनगर HNBGO गढ़वाल यूनिवर्सिटी में क्या सारा सीन है। लोग लगातार रोज आता रहता है, ठीक है, कितनी सीटें वैकेंट है, टोटल 9 सीटें वैकेंट है। कब होने वाला है ये? 21 दिसंबर को होने वाला है श्रीनगर गढ़वाल के अंदर, ठीक है। इसके साथ ही
एक इफ्लू भी काफी अच्छा कॉलेज है, विश्व भारती भी सीटें तो वैकेंट है। वैसे बच्चे तो घटिया ही बता रहे हैं कि इससे घटिया कॉलेज हो ही नहीं सकता, मेरे पास कमेंट आते हैं कुछ बच्चों के। उसके बाद ये और तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, AKTU में काफ़ी सारे कॉलेजेज हैं जहाँ पे अभी भी सीटें वैकेंट हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी जो नॉन एफिलेटेड कॉलेजेज हैं, आप उनके HOD वगैरह जो भी है कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। अभी एक ही ऑप्शन बचता है, आप इस टाइम के कॉन्टैक्ट कर सकते हो HOD वगैरह से, तो जो भी अगर सीट होती है तो मिल जाएगी। उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेज आते हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेज आप लोग ले सकते हो, अच्छे कॉलेज ले सकते हो। हालांकि CUET में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे अच्छे कॉलेज नहीं हैं, बहुत बार हम अगर उनके ऊपर वीडियो बना देते हैं तो हमारे पास FIR कर देते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैंने ट्राई किया था पहले कि यार मैं सब कॉलेजों के बारे में बता दूँ बच्चों को, मेरे पर इतने FIR हुए कि मैंने वीडियो डिलीट कर दिए। पुलिस स्टेशन से कॉल आता है मेरे को कि भैया तुमको वीडियो बनाते हो, तुम बहुत होशियार हो रहे हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, क्या बोलते रहते हो कॉलेजों के बारे में, प्लेसमेंट है क्या होता है, ये दरोगा जी वगैरह बहुत सारे होते हैं ना UP वगैरह में, ये मेरे को भी थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा बाद में, तो मैंने हटा दी बाद में। ठीक है, तो ये सारा तो समझ सकते हो कि मतलब क्या अच्छे होते हैं क्या बुरे होते हैं। ठीक है, मतलब मेरे को पता चल गया कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। मतलब मैंने बहुत सारे कॉलेजों के रिगार्डिंग बनाए थे और जिनके बारे में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अभी भी कुछ के तो पढ़े हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोला हमने, फिर भी पुलिस स्टेशन एंड साइबर क्राइम एंड बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं हमारे खिलाफ भी, तो देख सकते हो यार पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ भी इतनी सारी हो जाती है, तो आप लोग पास क्या ही हो सकते हैं। थैंक यू।